हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा, फिर से एक नई रेसिपी के साथ। मैं आज आपको बताने वाली हूं साबूदाना रोलर्स। जितने दिखने में टेस्टी हैं, उतने ही खाने में भी बहुत ही यम्मी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने यहां पर भीगा हुआ पोहा ले लिया है, जिसे मैंने 15 से 20 मिनट भिगो कर रख दिया था। लगभग एक कटोरी ये पोहा है। और साबूदाना ले लिया है, जिसे मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रखा था, और वो अच्छे से अब भीग गया है और सॉफ्ट हो गया है। और मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आलू ले लिया है और पीनट्स ले लिए हैं, जिसे मैंने क्रश करके रखा है। और यहाँ पर मैंने लिया है धनिया और हरी मिर्च और गाजर, जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। गाजर ऑप्शनल है, लेकिन गाजर डालने से हल्का सा जो रेड कलर आता है, उसकी वजह से रोलर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बाउल मैंने ले लिया है, उसमें मैंने साबूदाना डाल दिया है, और अब मैं उसमें मैश किया हुआ आलू डाल रही हूँ। आलू को हमने पहले ही बॉईल करके मैश कर लिया था, और इसमें हम पोहा भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं हरा धनिया, हरी मिर्च और गाजर ऐड कर रही हूँ। जो पीनट्स हमने थोड़े क्रश करके रखे हुए थे, इन्हें दरदरा करना है, ज़्यादा पीसना नहीं है, वो भी हमने डाल दिए हैं। और स्वाद अनुसार नमक डालना है। स्वाद अनुसार हमें लाल मिर्च पाउडर डालना है, और स्वाद अनुसार हमें इसमें हल्दी डाल देनी है। स्वाद अनुसार हमें चाट मसाला डालना है, यह ऑप्शनल है, आप अमचूर या फिर लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। अब इस सारी सामग्री को हमें अच्छे से हाथ से मैश कर लेना है। साबूदाना और पोहा हमने भिगो के रखा था, तो इसलिए हमें इस घोल को मैश करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस प्रकार से हमें रोलर्स बना लेने हैं अपने हाथों में। ये देखिए, इसी प्रकार से मैंने सारे रोलर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं, उससे भी यह रोलर्स क्रिस्पी बनते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, और एक एक करके यह रोलर्स में उसमें डाल रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर हमें इन रोलर्स को तलकर निकाल लेना है और पलटाते रहना है, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमें इन्हें तलना है। इन रोलर्स को आप एक बार ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए, बिल्कुल नई रेसिपी है, और मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमें इन्हें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, और हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमें इन्हें तल लेना है। ये देखिए, गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी प्रकार से हम सारे रोलर तल कर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, यह बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, जैसे पोहा है, साबूदाना है, और हमने बहुत सारा आलू इसमें नहीं डाला है। आलू के बजाय इसमें हमने पोहा ले लिया है और गाजर ले ली है, तो उसकी वजह से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, हमारे रोलर्स बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी रोलर्स बने हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें आप एक बार बनाकर घर में ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए।
और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रोलर्स कैसे लगे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और घर में सुरक्षित रहें।